चादनी सी निशा नूर वाली बनी, चादनी सी निशा नूर वाली बनी, औ पपिया सवाती के दस्तूर से एक बेटी कुंवारी सुहागन बने, ब्याह में अपने प्रीतम के सिंदूर से पाके सिंदूर बेटी है बनती दुल्हन, गुलबहारों से दामन सजाती है वो, लोक का सुख चले सूल पे किंतु सिंदूर अपना बचाती है। छोड़ त्रैलोक का सुख चले सूल पे किंतु सिंदूर अपना बचाती है वो। एवाउ ये जब तक से कि लड़कियों के मांग में सिंदूर नहीं पड़ता है तब तक वो सुहागी नहीं कहती, चाहे मुसलमान की लड़की हो या हिंदू की लड़की हो, जब तक उनके मांग में सिंदूर नहीं पड़ता तब तक वो सुहागिन नहीं कही जाती। तो इसलिए कवि को लिखना पड़ा, जन्म देते हैं बेटी को माता पिता, जन्म देते हैं बेटी को माता पिता, जन्म देते हैं बेटी को माता पिता, अरे जन्म देते हैं बेटी को माता पिता, किंतु गैरों का घर होता गुलजार है, जन्म देते हैं बेटी को माता पिता, किंतु गैरों का घर होता गुलजार है, जन्म देते हैं बेटी को माता पिता, किंतु गैरों का घर होता गुलजार है। माता पिता सिर्फ लड़कियों का जन्म देते हैं, वो लड़की किसी दूसरे घर की अमानत हो जाती हैं, तो इसलिए कवि को लिखना पड़ा कि जन्म दे बेटी को सर बाप का लटक जाता, इज्जत का सेहरा गैरों के घर में अटक जाता, उसे बेटी देना भगवान उसे धन देना, गरीबों को बेटी के बदले तो मरण देना, आजकल दई जायो दहेज की बीमारी है, पुराने रीति रिवाजों से अकल मारी है, अरे जिला लालंदा गावड़ बस का है बयान सही, जून 26-85 सन का है दस्तान सही, जिला लालंदा गांव का नाम अड़बस, एक रईस साहब के घर बारात आ गई बाबू, रईस साहब पहले अमीर थे लेकिन बाद में गरीब हो गए, लेकिन जब बराती पहुंच गए तो बराती लोगों को पानी वानी पिला करके जनवासा में भेज दिए, और जब बराती सब जनवासा में पहुंच गए तो सखी सब लड़किया को दुल्हन बना रही है, उसको सजा रही है, लेकिन मजाक भी कर रही कि सखी अगर तुम अपने प्रीतम के पास जाओगी तो हम लोगों की याद भूल न जाओगी, लेकिन कहे कैसे, अरे चेहरा बना के, अरे चेहरा बना के मेहंदी लगा के सिंदूर सजा के जई हो ना, अरे चेहरा बना के मेहंदी लगा के सिंदूर सजा के जई हो ना, पिया को पाके प्रीत लगा के हमें भुला के जई हो ना, चेहरा बना के मेहंदी लगा के सिंदूर सजा के जई हो ना, पिया को पाके प्रीत लगा के हमें भुला के जई हो ना, चेहरा बना के मेहंदी लगा के सिंदूर सजा के जई हो ना, पिया को पाके प्रीत लगा के हमें भुला के जई हो ना, अरे तो नजर न लागे रानी को, अरे रखना बाद जवानी को, अरे भूल न जाना प्यारी हो सखियों की प्रीत पुरानी को, अरे झुमका सजा के, अरे झुमका सजा के पायल बजा के बलमा को तरसई हो ना, अरे पिया को पाके प्रीत लगा के हमें भुला के जई हो
सिंदूर का इंतजार कर रही है और कैसे कि सिंदूरवा के जो है दुल्हनी, अरे सिंदूरवा के जो है दुल्हनी, कंगन बदा हाथ में शादी का सिंगारवा, सिंदूरवा के जो है लड़की का पिता जाता है जनवासे में, लड़के के पिता से कहता भाई साहब अब चलिए मड़वा की तैयारी हो गई है, अब तब तक दुल्हवा जो खड़ा होकर का कहला का बेटा मड़वा में चल रहा है, लेकिन दुल्हा कहता खबरदार अगर आप इसके आगे बोलने की कोशिश की तो अभी आपसे झगड़ा हो जाएगा। कहे कैसे, तो मगर चला होने विवाह तब दुल्हा बोला बात बिखर, अरे मोटरसाइकिल दो मुझको तब जाऊं मड़वा के अंदर। लड़का कहता है कि आप जो वादा किए हैं पहले वो मोटरसाइकिल सामने दिखा लीजिए तब हम लोग मड़वा में जाएंगे, और नहीं तो आपकी बनी बनाई इज्जत हम लोग यहाँ से माटी में मिला करके जाएंगे। लड़की के पिता रोके कह रहा है कि बेटा कि महादुखी हो ससुरा जी बोले, अरे महादुखी हो ससुरा जी बोले, बेटा ले लो कन्यादा मान पूरा कर सकता हूँ बिक जाएगा खेत मका। लड़की का पिता कहता बेटा अगर मैं तुम्हारी मांग पूरा करूं तो मेरा थोड़ा खेत मकान है बिक जाएगा। लड़कवा कहे चाहे तू बिक जा और चाहे तुम्हारे खेत मकान बिक जाए, लेकिन इसका मुझे दरकार, मुझे केवल मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन यार सखी सब अपना गा रही, सखी सब अपना मंगल गा रही है, जैसे और आप लोग सुन लिया है कि बुढ़ऊ जब दुल्हा बन के गईलन तो लौट गईलन, जब तनि सियाउर मजा का बात आ गई तो उछड़ गईलन, आ जब नौनिया रुमाल खिंचलस तो उनकर दांत रुमाल में फंस के चल गए नीचे। बा भाई बा, तो आजकल समाज है ऐसा है बाबू कि काम गड़बड़े है कुल। लेकिन इधर दुल्हा कहता है, क्या कहता है दिया। अरे दुल्हा बोला कि अरे मोरे बाबू, कहता है कि मेरी बारात वापस जाएगी, हम लोग मड़वा के अंदर नहीं जाएंगे जब तक से क्या मोटरसाइकिल नहीं देंगे। तो कहता है कि दुल्हा बोला कि अरे मोरे बाबू, दुल्हा बोला कि वापस जाई मोरे बरतिया हो इज्जतिया तोहरो माटी मिलई बरे। दुख से फाटल ससुर के छाती बेटी कर लाज लुटाती, वापस जाई बरतिया बिगड़ी, वापस जाई बरतिया बिगड़ी, पीसमातिया होई जतिया तोहर माटी मिलई बैला। कहता है कि मेरी बारात वापस जाएगी, हम लोग मड़वा में नहीं जाएंगे जब से कि मोटरसाइकिल न दे। लड़की का पिता रो रहा है और कह रहा है कि बेटा मैं अगर मांग पूरा करूं तो मेरे पास थोड़ा खेत मकान है बिक जाएगा। लड़कवा कहे ऐसे का मतलब मुझे केवल मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन लड़के का बाप और लड़कवा तनिक कम बोले, लेकिन बरतिया में जो उनके लहन वो हिप्पी कट वाला वो कहेंगे ढक मत वा भागा यहां से, पहले मोटरसाइकिल आप दिखा लीजिए तब हम लोग मड़वा में जाएंगे। अरे दिखा दे काम फिट हो जाए, नहीं तो तुहर काम गड़बड़े हो। लड़के लड़की का पिता जो है रो रहा है कि बेटा मान जाओ बात, लेकिन के माने हो तो यहाँ एक तर्ज बाए, अरे हम धन जई बे एक माता बहन लोग गावेली, जबकि समधी लोगन खिचड़ी खाए के तैयारी होला तब लोग गई हैं कि अरे हम धन जई बे नहीं हरे हो हम धन जईबे नहीं हरे हो हम धन जईबे नहीं हरे हो, अरे हम धन
जइबे नैहर हो ससुरार करे आया मोरे बारे बलम ससुरार जो चने केरी खेतवा हो जो चने केरी खेतवा हो जो चने केरी खेतवा हो अरे जो चने केरी खेतवा हो जरा कुसुम बोआई दा मोरे बारे बलम सब गा रहे इसी तर्ज में कैसे कि पेड़ा मिठाई के भोगवाओ पेड़ा मिठाई के भोगवाओ पेड़ा मिठाई के भोगवाओ अरे पेड़ा मिठाई के अरे भोगवा कैसे भौरी घोटाई मोरी प्यारी दुल्हन कैसे भौरी घोटाई मोरी प्यारी दुल्हन कैसे घोटाई मोरी प्यारी दुल्हन अरे चंपा चमेली की सेजिया हो चंपा चमेली की सेजिया हो चंपा चमेली की सेजिया हो अरे चंपा चमेली की सेजिया हो कैसे पत्थर सोवाई मोरी प्यारी दुल्हन कैसे पत्थर सोवाई मोरी प्यारी दुल्हन कैसे पत्थर सोवाई मोरी प्यारी दुल्हन वो मनाते मनाते सुबेरा हो गया ना लड़का मानता है ना लड़के का बाप मानता है ना बराती सब मानते हैं लेकिन लड़के के पिता जो है रोता हुआ महादुखी में होकर करता क्या है कि मन मतंग लड़की का बाप अरे छूटी सारी आशा नैन लाल बिकराल हाथ में लेकर चला लड़की का पिता हाथ में गणासा उठाता और कहता क्या समाज के ठेकेदारों आए समाज के ठेकेदारों क्या गरीब हो उसके लड़की का शादी नहीं हो सकता है लेकिन लड़की का पिता रोता हुआ कहता है वो क्या कहता है बाप कि सरेआम लूटल जाले मोर पनिया ही रमील में अरे तब बेटी बन के जन्मल बाय नगिनिया ही गरीब अरे कन्या दान के बदले करबे कन्या के बलिदान एक गणा सा बेटी के तब काटन चले जाता लड़की के क्वार्टर में लड़की कोठरी में पिता जो है लड़की का लेकर के हाथ में गणासा जाता है और जब लड़की देखती है बाबू तो रो रो के कह रही कि बाबूजी ठीक हो मैं इसी लायक आपके घर में जन्म ली हूं कि मेरी वजह समाज में आपका कोई कदर न हो तो बाबूजी मेरी मूड़ी काट लीजिए लेकिन एक ठे मांगन हमारे के पूरा कर दिया हो क्या कहे कि एक बात हो कि बाबूजी अरे डोली चढ़ा के बाबूजी ना कर सके विदाई लेकिन करना विदा पिताजी आरती मोर सजाई बाबूजी अगर आप डोली चढ़ा के ना विदा कर सकिया तो इतना जरूर कर दिया कि जब हमारी मूड़ी कट जाए तो मुझे सुहागन बना करके डोली में बैठा दीजिएगा इसलिए कि दुनिया जान गई है कि आज आपके दरवाजे बारात आई हुई है मेरी इज्जत उसके साथ बिक चुकी है तो कम से कम मेरी आरती उसके दरवाजे तक पहुंच जानी चाहे अरे तो इतना कहते कट गई गर्दनिया यही गरीब में अरे बनी सुहागन मर के वो दुल्हनिया यही गरीब लड़की का पिता जो है लड़की का मुड़ी काट लेता है और काट करके थाल में रख करके ऊपर से कपड़ा से ढक देता है और कहता है कि आए समाज के ठेकेदारों आए समाज के ठेकेदारों अपना कानून देख लो दैजा दहेज के बदले बहता है बेटियों का खून देख लो मैं पूछता हूं कि दैजा दहेज का गलत रिवाज बदल दो और जो कर सके ना रक्षा हो बे शर्म समाज बदल दो देख लो समाज के ठेकेदारों ये दहेज के कारण बहु बेटियों का खून बह रहा है लेकिन तुम लोग अंधे बने हुए हो बेचारा लड़की का पिता जो है बाबू उसी तरह से थाल में रखा हुआ कब लड़की का सर और कपड़ा से ढांक करके लेकर के जा रहा है लेकिन कैसे जा रहा है
कन्या जवन बाबू रहले देवे खातिर कन्या दाना। अरे होई के विवश कैले कन्या परिदान बिटिया कलशिया निहारे माताया। अरे दुखित पति से बोली बतिया हो सुजा मालूम तोहर पति बच गई है खाजा। अरे अपने हाथ ले लहला बेटी का परा। लड़की की माँ जब अपने लड़की की मुड़ी और धड़ देखती है रो रो के करे कि पतिदेव मैं जान गई कि आज से तुम्हारे पास जितना धन दौलत खजाना हो सब बच जाई काहे से कि आपने अपने हाथ से अपने लड़की की मुड़ी काट लिया है। लेकिन रोता हुआ पति बोल रहा है कि बोला है पति जेकर बिहरे अरे कैसे हम जाओ कैसे हम देव अब दई जा हम। अरे कितना बरतिया द्वारे से लौट जाएगा अरे बारी बारी खड़ा होई दई जा का दुखा। लड़की का पिता कहता है कि तुम ही बताओ आज आयल बटन खत बन के हमके मोटरसाइकिल चाहिए कल कोई आवे तो कहे कि हमके घड़ी रेडियो साइकिल चाहिए परसों कोई आवे तो कहे कि मुझे 5,000 रुपया चाहिए तो घर में खाने का ठिकाना नहीं पास में एक पैसा नहीं है तो मैं कितना बराती द्वारे से वापस करता इसलिए कि सगरो झगड़ा वहां खत्म हो गई। अरे सगरो झगड़ा वहां खत्म हो गई। अरे बिटिया का सिर बाप ले चला सुजा। अरे तो दुल्हा के आगे रखे बाबू ही का मुड़िया कि दुखी तो ससुर जी बोले बतिया सुजा। दुल्हा के आगे रखे बबुई कमुड़िया की दुखी तो ससुर जी बोले बतिया उसी तरह से कपड़ा से ढका हुआ बाबू थाल में और लड़की का पिता ले जाकर के दुल्हा के आगे रख देता और कहता कि बेटा तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए ना यही तुम्हारी मोटरसाइकिल ले जाओ इसको। लेकिन बरतिया से बड़ा खुश भैलन और कहे कि मोटरसाइकिल ना है बल्कि मोटरसाइकिल का रुपया इथरिया में रख के आयल है। आज जब लड़का कपड़ा हटाता है बाबू आज जब उस लड़की का चेहरा रूप देखता है सूरत देखता है तो कलेजा पीट के गिर जाता है और सोचा कि अगर भगवान कदाप इसको पहले में देखा होता तो बल्कि 10,000 रुपया दे के हम शादी के लिए तीन नौबत ना आओ तो। इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत थी बाबू। लेकिन लड़की का पिता रोता हुआ कहता है और क्या कहता है अरे तो हम नहीं दे मोटर साइकिल हीरावा तलेला। अरे तलेला दहेज में सनिया बेटी देबे मोटरसाइकिल हिरवा लेला दहेज में निसनिया बेटी का विरवा। अरे जिस लड़की कारण मैंने तुमको हरदम शीश झुकाया मगर बेशरम तुझको तनिक रहम न आया तो लुटला सभा में मोर पनिया बेटी के। अरे जिस लड़की को दुल्हन बना के करता सुबह विदाई दहेज कर उसका सर तुझे काट दिया या लगाई तो छूटल सारी परेशानियां बेटी के। ले जाओ इसको ये तुम्हारी मोटरसाइकिल। लेकिन बाबू इधर तो सर्वर हो रहा था आ उसी में से कोई फूट गया पहुंचा कहां कि राजगीर थाने पे जाके सारी बात बतलाए। अरे 20 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए तब पुलिस दरोगा आए कि दोनों समधी भी सलनिया बेटी का दिया। 20 गो बरा
जाती, लड़की का बाप और लड़के का बाप 22 आदमी गिरफ्तार हो गए, लेकिन अंत में बचा कौन? कि जिस दूल्हे के हाथ बधा था, अरे कंगन शादी वाला, अरे तो उसी हाथ में लोहे का हाथ बड़ी पुलिस ने डाला, तो भाई बबुआ के चलनिया बेटी का सिरा। अच्छा, ये नेशनल रेडियो सेंटर, ये घोसी, ये 5 रुपए का पुरस्कार भाई को बार बार नमस्कार, साथ साथ सही भाई के नमस्कार प्रणाम। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश, अरे गुरु राम लाल हरसाई, कथन करे कवि चंद्रिका, शरद कोसी सा झुकाई, अरे सिंदूरवा के जो है दूल्हा, गाते मुस्तफा अमृत भैले जहरवा, सिंदूरवा के जो है